हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी के कुरकुरे नमकीन की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने लिया है 1.5 कप मैक्रोनी। आप कोई और भी पास्ता ले सकते हैं, किसी भी पास्ता से ये नमकीन अच्छे से बनकर रेडी होते हैं। देखें आप, मैंने मैक्रोनी ली है। 2 चम्मच हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना लें, सिंपल लाल मिर्च ले रहे हैं तो 1 चम्मच ले लें, क्योंकि वो काफ़ी स्पाइसी होता है। 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। 1 चम्मच भरकर मैं लूँगी काला नमक और 1 चम्मच मैं लूँगी अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप टैट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने लिया है पाउडर शुगर। पाउडर शुगर ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा सा खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो डालें। करी लीव्स लिए हैं, उनको मैंने गर्म करके हाथ से क्रश कर लिया, उसका पाउडर सा बना लिया है। अब देखिए, मैं चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को आपस में मिक्स कर लूँगी और ये हमारे ऊपर डालने का मसाला बिल्कुल रेडी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और कोई मसाला भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं या कोई और मसाला भी डाल लें। पानी चढ़ा दिया है मैंने मैक्रोनी को उबालने के लिए। फर्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि पानी काफ़ी उबलते हुआ हो तभी आपको मैक्रोनी उसके अंदर डालनी है। और उसके अंदर डालें 1 चम्मच भर के नमक, और ऑयल वगैरह कुछ भी ना डालें उसके अंदर, क्योंकि ऑयल की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। मैक्रोनी आपकी कभी भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि पानी के साथ मैक्रोनी कभी भी आपस में चिपकती नहीं है। गर्म पानी में मैक्रोनी को डालते ही आप तुरंत चम्मच चलाना शुरू कर दें, नहीं तो हमारी मैक्रोनी तले में चिपक जाएगी। 5 से 7 मिनट तक हमें इसे उबालना है। पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि मैक्रोनी या पास्ता को कितना उबालना है। अगर पैकेट के ऊपर नहीं लिखा है तो भी आप 7 मिनट इसको पका लें, और थोड़ा सा कच्चापन इसके अंदर बाकी रहना चाहिए, ये आप ज़रूर याद रखें। मैक्रोनी को ज़्यादा ना पकाएं, चलनी में निकाल लेंगे इसको, सारा पानी को ड्रेन कर लेंगे। और सेकंड टिप जो है, आप ठंडा पानी कभी भी मैक्रोनी के अंदर नहीं डालें अगर आप उसके नमकीन बना रहे हैं तो। तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म है और मैक्रोनी को तुरंत मैं उसके अंदर डाल दूँगी। गैस की फ्लेम को कर दूंगी मैं मीडियम, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसको 7 मिनट तक बिल्कुल कुरकुरा होने तक तलना है। आप तुरंत बराबर से इसके अंदर झारी से चलाते रहें और 7 मिनट में हमारी 6-7 मिनट में लगभग हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तल कर तैयार है। अब मैक्रोनी को हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। सेकेंड टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि मैक्रोनी को आप जैसे ही निकालें तुरंत से उसके अंदर मसाला डाल दें, क्योंकि मसाला तभी चिपकेगा। अगर आप ठंडा करके मसाला डालेंगे तो वो कभी भी मैक्रोनी के अंदर नहीं चिपकेगा। इस कुरकुरे नमकीन को आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर कम से कम 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा कुरकुरा नमकीन। आप इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं आपसे दिवाली सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।